हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं altnews.in। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। हसरत जयपुरी के लिखे इस गाने की अगली लाइन काफी दिक्कत वाली है, लेकिन कम से कम इतना तो उन्होंने ठीक लिखा है। मिस इन्फॉर्मेशन फैला के कौन कैसा क्या प्रोपेगेंडा फैला रहा है, आप हर चीज का ट्रैक नहीं रख सकते हैं। ऐसे में हर बात का सच मालूम होना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए हम आपको बताएंगे वो गलत जानकारी जो कि फैलाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। लोग कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रतीक चिन्ह के नीचे लिखे वाक्य सत्यमेव जयते को बदलकर यतो धर्मस्ततो तो जयः कर लिया है। इन दोनों में अंतर क्या है, ये इनके अर्थ से मालूम पड़ जाएगा। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की विजय हो, और यतो धर्मस्ततो तो जयः का अर्थ है कि जहां धर्म है वहां जीत है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि ये महाभारत के एक श्लोक का हिस्सा है। पूरा श्लोक है यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः, यानी जहां कृष्ण है वहां धर्म है और जहां धर्म है वहां विजय। भीम आर्मी से जुड़े सुनील अस्तेय ने दो तस्वीरें ट्वीट करते हुए यह दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना मोटो बदल दिया है। सीनियर पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी यही दावा किया और इससे जुड़ा एक ट्वीट किया। ऐसे दावे सिर्फ इन दो लोगों ने नहीं बल्कि और भी कई लोगों ने किए हैं, मगर असलियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हमें ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली जिसमें बताया गया हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्यमेव जयते को बदलकर यतो धर्मस्ततो जयः कर दिया है। नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इससे जुड़ी कोई भी प्रेस रिलीज मिली। हाँ, वेबसाइट खोलते ही द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नीचे यतो धर्मस्ततो जयः लिखा हुआ दिखता है। हम इंटरनेट की उस वेबसाइट पर गए जो कि दुनिया भर के तमाम वेब पेजेस को आर्काइव करती रहती है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये वेबसाइट तमाम वेब पेजेस की समय समय पर तस्वीर खींचती रहती है और अपने पास ये सारी तस्वीरें रखती है। इस वेबसाइट को वेबैक मशीन के नाम से जाना जाता है। आप यहां पर archive.org के जरिए पहुंच सकते हैं। जब हमने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को वेब आर्काइव पर देखा तो मालूम पड़ा कि 12 नवंबर 2019 से 18 अगस्त 2020 के बीच में कुल 130 स्नैपशॉट लिए गए हैं। 12 नवंबर 2019 के स्नैपशॉट में सुप्रीम कोर्ट के नीचे यही श्लोक यतो धर्मस्ततो जयः लिखा हुआ था। यानी अगर ये बदलाव हुआ भी है तो ये कोई हालिया बदलाव नहीं है। अब हम और पुराने स्क्रीनशॉट्स देखने लगे। archive.org पर 6 जुलाई 2000 से 20 अगस्त 2020 तक कुछ 1580 स्नैपशॉट्स मौजूद हैं। हमने बहुत सारे स्नैपशॉट्स देखे और मालूम पड़ा कि 20 नवंबर 2010 के एक स्नैपशॉट में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यतो धर्मस्ततो जयः लिखा हुआ है और 10 नवंबर 2010 के स्क्रीनशॉट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। यानी पहली बार 10 नवंबर 2010 से 20 नवंबर 2010 के बीच वेबसाइट पर यतो धर्मस्ततो जयः लिखा गया है। असली मामला यह है कि भारत सरकार के मोटो यानी ध्येय वाक्य और सुप्रीम कोर्ट के ध्येय वाक्य में लोगों को कंफ्यूजन हो गया, और यह बेहद नॉर्मल मालूम देता है क्योंकि हमारी अदालत से उतनी ही मुलाकात हुई है जितनी फिल्मों ने करवाई है। फिल्मों में अक्सर सत्यमेव जयते दिखाया जाता है। फिल्मी अदालतों से इस मोटो का रिश्ता जोड़ा गया है, जबकि सत्यमेव जयते भारत सरकार का ध्येय वाक्य है और भारतीय न्यायपालिका का मोटो शुरू से ही यतो धर्मस्ततो जयः रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस श्लोक को 10 नवंबर 2010 से 20 नवंबर 2010 के बीच किसी एक दिन जगह मिल गई। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर लिया और इस मिस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वालों में शामिल होने के लिए खेद भी जाहिर किया। लेकिन अभी भी कई पोस्ट ट्वीट्स वगैरह मौजूद हैं जो कि इस बात को फैला रहे हैं, और इस बात में सच्चाई की मात्रा उतनी है जितनी धोनी के रिटायरमेंट से वापस आने की गुंजाइश है।